कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम, ठीक है ना, कि अर्पण जो अवतल दर्पण होता है उस पर किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना, या अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसके हमने कुछ नियम पढ़े थे और उसके बाद हमने किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम और अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो है कि जिसने कल का वीडियो देखा होगा उसके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, कोई मतलब कुछ कुछ चीजें ही अलग है, बाकी सब एक जैसा है जैसे कल के वीडियो में था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका जो पहला नियम है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस को अपसारित होती प्रतीत होगी। यानी कि देखिए सबसे पहले तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या है भाई, जैसे कि ये एक गोला है, ठीक है ना, ये गोला है और गोले का कोई ये हिस्सा है भाई इधर वाला, ठीक है ना, ये हिस्सा है इसका, तो ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना, ये हिस्सा है। अगर मैं इसके अंदर की ओर पेंट कर दूं और इस पे ब्लैक कलर चढ़ा दूं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो जाएगी, आगे वाली हो जाएगी, इधर वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, लेकिन कॉनकेव में थोड़ा अलग था, कॉनकेव में बाहर की ओर हम पॉलिश कर रहे थे इस तरह से, और बाहर की ओर पॉलिश कर रहे थे और इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड थी अंदर की ओर थी, किसमें, अवतल दर्पण में, लेकिन इसमें बाहर की ओर होती है, देखिए ठीक है, ये गोले का ही कोई हिस्सा है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला नियम कह रहा है ये उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यानी कि ये कोई दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, मेन एक्सेस है, ठीक है ना, और मुख्य अक्ष के समांतर, ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि अक्ष है और इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण, कोई लाइट रे, जो ये रे है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। अब ये क्या होगी, जो ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उत्तल दर्पण पर, उत्तल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग साइड पर या परावर्तक पृष्ठ पर, तो ये यहां से परावर्तित हो जाएगी भाई, ठीक है, और परावर्तित हो जाएगी। और ये कैसे प्रतीत होगी, अगर मैं इस इमेजिन को मानो, अगर मैं इस परावर्तक देखिए, ठीक है, अगर मैं ये परावर्तक किरण है, जो ये परावर्तित किरण है, अगर मैं इसको पीछे लाऊं, ये देखो अगर मैं इसको पीछे लाऊं तो ये फोकस बिंदु पर मिल जाएगी भाई। तो यही कह रहा है ये कि परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो ये किरण परावर्तित हुई है ये फोकस बिंदु से आ रही होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर मैं इसको पीछे मिला रहा हूं। तो ये इसका पहला नियम है, ध्यान रखिएगा, चार नियम है और इन्हीं नियमों के आधार पर हम इस पर प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे जैसा हमने कल किया था अवतल दर्पण में। अगला है ठीक इसी का उल्टा है भाई, ठीक है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि माना कि कोई प्रकाश की किरण है, ये इस तरह से ये प्रकाश की किरण है और ये तिरछी प्रकाश की किरण आ रही है, और ये कैसी है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये मुख्य फोकस पर जा रही होंगी इस तरह से, ठीक है। अगर ये इस तरह से तिरछी कोई प्रकाश किरण आपतित होती है उत्तल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग साइड पर, तो वो कैसी तिरछी होगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, तो ये यहां से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी भाई, मेन एक्सेस के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। देखिए हाँ एक चीज और देखिए, आपको ये बनाने के लिए प्रकार पेंसिल का प्रयोग करना है भाई, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। हाँ उत्तल दर्पण के परावर्तक वक्रता केंद्र, ठीक है ना, वक्रता केंद्र,
सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र को, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र को की ओर निर्देशित किरण, यानी कि कोई ऐसी किरण ये यहाँ पे आपतित हो रही है, लेकिन ये कैसे आपतित हो रही है, इस बार ये फोकस पे नहीं जा रही है। देखो इस बार ये क्या हो रही है, ऐसे आपतित हो रही है जैसे कि ये प्राकृतिक किरण सीधे यहां से होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि किस पर जा रही है, किस पर जा रही है, वक्र का केंद्र, वक्रता केंद्र पर। अगर कोई ऐसी प्रकाश किरण आपतित होती है उत्तल दर्पण पर कि अगर मैं उसको पीछे बढ़ाऊं तो वो ऐसे लगेगा कि ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो ऐसी प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापिस परावर्तित हो जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी भाई। अगर इसका डायरेक्शन सीधे इस पर है तो ये क्या हो जाएगी, सीधे इसी मार्ग पर वापिस चले जाएगी, इधर आ रही है तो वापिस चले जाएगी। लेकिन अगर तिरछी पड़ रही है और इसका डायरेक्शन किस ओर है, मुख्य फोकस की ओर है, मेन फोकस की ओर है, तो ये समांतर चली जाएगी, जो इससे पहले वाला नियम है, ठीक है ना। अगला चौथा नियम है, बिल्कुल कल कल का है, जैसे उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर देख लो भाई, यही लिखा है। मतलब अगर कोई तिरछी प्रकाश की किरण है, तिर्यक है, ठीक है ना, और ये सीधे पोल पर आकर के आपतित हो रही है, कि किस पर आपतित हो रही है, पोल पर, यानी कि मुख्य फोकस पर, सॉरी इसको कहते हैं ध्रुव पर, तो ये इसी पर क्या हो जाएगी, सीधे ध्रुव पर गिर रही है, इधर उधर नहीं गिर रही है, तो ये यहाँ पर तिरछी ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये एंगल और जो मेन एक्सेस के सापेक्ष जो एंगल बना रहे हैं, तो ये आर और आई, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये आपतित किरण परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है ना, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये दोनों किरणें क्या होंगी, और ये मुख्य अक्ष, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे और समान कोण बनाएंगे, ये आर और आई क्या होंगे, समान कोण होंगे। तो ये इसके चार नियम थे, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, इसको बाद में पढ़िएगा, पहले मैं यहां जो इस पे ध्यान मत दो आप, मैं जहां से पढ़ रहा हूँ लास्ट में बताऊंगा इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो सबसे पहले माना कि कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई वस्तु है, इसको मैंने अनंत पर रख दिया, अनंत मतलब बहुत दूर रख दिया मैंने, ठीक है ना। जब मैंने वस्तु को बहुत दूर रख दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो यहां से ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, इसके ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और मैंने कहा था पहला नियम क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो परावर्तित डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह से उत्तल दर्पण पर ऊपर की ओर डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन कैसे डाइवर्ज होगी, ये अगर ये इसके समांतर है तो अगर मैं इसको पीछे मिलाऊं तो ये फोकस पर आकर के मिलेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है ना। तो ये फोकस पॉइंट पर आकर के मिलेगी, और यही बस यही प्रोसेस यहाँ भी दोहराओ, अगर ये इसके यहाँ पर भी पैरेलल है, ठीक है ना, इसके पैरेलल है, इसके समांतर है, और ये डाइवर्ट हो जाएगी, और अगर मैं इसको इस तरह से पीछे मिलाऊं तो फोकस पर मिल जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट है, ये देखो ये दोनों अगर मैं इनको पीछे पड़ाऊं तो ये फोकस पर मिल रही है, यहां पर फोकस पर मिल रही है, ठीक है ना। यानी कि दो परावर्तित किरणें आपस में जिस बिंदु पर कटती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये मैंने आपको बताया था, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अब देखो सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, एफ पर बन रहा है, स्थिति मतलब कहां पर बन रहा है, तो फोकस एफ पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस एफ पर। रटने की जरूरत है, आपके बुक में जो टेबल दिया हुआ है वो रटना नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से देखो, जो यहां आपने देखा है वही यहां लिखो, फोकस एफ पर, और ये दर्पण के आगे नहीं बन रहा है, यहां ये दर्पण के पीछे बन रहा है, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, ठीक है भाई। स्थिति अब है प्रतिबिंब का आकार, अब प्रतिबिंब यहां पर बहुत छोटा बन रहा है भाई, देखो यहां पर ये कट रही है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा या अत्यधिक छोटा, जो भी लिखना चाहो, यानी कि पॉइंट साइज, ये लगभग कैसे, पॉइंट साइज है, यानी कि एक बिंदु के बराबर है, पॉइंट साइज है,
ठीक है ना। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये प्रकाश की किरणें जो परावर्तित हो रही हैं, अगर ये वास्तव में अपने आप मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब क्या है, आभासी, अगर प्रतिबिंब आभासी यानी कि वर्चुअल है, आभासी बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये अपने दिमाग में बिठा लो। अब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक तब बनता है जब परावर्तित किरणें अपने आप कटती हैं, जैसे मैंने कल बताया था भाई, अपने आप नहीं कट रही हैं, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, इनको पीछे ला रहा हूं और फिर इस बिंदु पर ये कट रही हैं, पीछे अपने आप नहीं कट रही हैं, इनको हमने पीछे की ओर लाए, यहाँ पर कटी। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक नहीं बन रहा है। वास्तविक तब बनता है जब ये दोनों किरणें अपने आप किसी बिंदु पर कटती, लेकिन अपने आप नहीं कट रही हैं, पीछे ला करके हम इसको कटा रहे हैं यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी बनेगा, क्योंकि अगर ये वास्तव में कटती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता, लेकिन वास्तव में नहीं कट रही है, आभासी। और हमेशा जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, यानी कि जैसी वस्तु है प्रतिबिंब भी वैसा ही बनेगा। अगर वस्तु ऐसी रखी है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा, अगर वस्तु ऐसी रखी होगी तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आभासी और सीधा, जहां पर आभासी होगा वहां पर सीधा होगा भाई। ठीक है, आभासी ऐसे लिखो, आभासी। ठीक है, आभासी। अब दूसरा देखो, अगर मैं वस्तु को, अब मैंने क्या किया, ये वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अब मैंने क्या किया, जो वस्तु इन्फिनिटी पर थी उसको थोड़ा पास लाया, लेकिन ज्यादा पास नहीं लाया भाई, दर्पण के ध्रुव पी के बीच, यानी कि जो पॉइंट पी है और अनंत, अनंत कहीं यहां होगा, तो इससे थोड़ा आगे खिसका के यहां लाया, यानी कि जो इन्फिनिटी है और पॉइंट पोल है इन दोनों के बीच में रखा। इन्फिनिटी माना कि इससे भी बाहर है, तो इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी से थोड़ा पास ला गया मैं, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब हमें मिरर, आपको पता है हमें प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनानी है, तो दो रिफ्लेक्टिंग रेस चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन एक्सेस है, तो मेन एक्सेस के पैरेलल इसके ऊपर से एक रे आई, ठीक है ना, और ये दर्पण पर पड़ती है, मिरर पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सीधे। अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, इस तरह से ये देखो रिफ्लेक्ट हो रही है ऊपर की ओर, लेकिन अब ये जब इसके समांतर है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो अगर मैं इस रेखा को पीछे की ओर लाऊं तो ये फोकस पर मिलेगी, ये नियम नंबर वन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और दूसरा क्या कर दो कि अगर माना कि कोई रिफ्लेक्टिंग रे दर्पण पर इस तरह से पड़ रही है, कि अगर मैं इस रे को, इस किरण को, माना कि ये किरण दर्पण पर पड़ रही है, लेकिन इस किरण को मैं सीधे इस तरह से पीछे लाऊं, तो ये सीधे कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या पर आकर के मिल रहा है। तो कोई भी ऐसी किरण, कोई भी ऐसी प्रकाश किरण अगर दर्पण पर पड़ रही है और वो वक्रता से केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो उसी मार्ग पर वापिस मुड़ जाएंगी 180 डिग्री पे, तो ये इसी मार्ग पे वापिस मुड़ गई। अब मैंने क्या किया, इसको पीछे पीछे ला, खिसकाया, पीछे खिसकाया, तो ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रे, ये रिफ्लेक्टिंग रे और ये रिफ्लेक्टिंग रे दोनों कहां पर क्रॉस कर रही हैं, यहां पर क्रॉस कर रही हैं, तो यहां से सीधे नीचे की ओर एक क्या कर दीजिए, एक लाइन खींचिए ये, और यहां पर क्या, ये प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है भाई, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है ना, और यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, स्थिति क्या हो जाएगी, P तथा F ये फोकस है, ये फोकस के इधर बन रहा है और P ध्रुव के इधर बन रहा है, यानी कि ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। बुक में देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ लिखो। तो P तथा, P यानी कि पोल ध्रुव तथा F फोकस, F के बीच बीच में प्रतिबिंब की क्या है, स्थिति है। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब का आकार छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा है, और हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है भाई, ठीक है ना, जो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा ही बनेगा, तो छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब क्या है,
हमेशा क्या है, मैंने बताया था कि ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रे है, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये यहां से, क्या ये दोनों मिल रही है? नहीं मिल रही है, कहीं वास्तव में नहीं मिल रही है, अपने आप नहीं मिल रही है, बल्कि मैं इस रेखा को पीछे ला करके यहां पर कट रही है ये, फिर तो अपने आप नहीं कट रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, और हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी और सीधा, तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। तो इस तरह से ये दो हमने ये दो डायग्राम के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और अब ठीक है भाई, अब इसके उपयोग क्या है भाई? उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वाहनों में ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, अगर वाहनों में, अगर जो जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के बगल में साइड में एक दर्पण लगा होता है, एक मिरर लगा होता है ड्राइवर के, तो वो उत्तल दर्पण ही होता है भाई, उत्तल दर्पण, ताकि वो पीछे की ओर देख सके। अब ये उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि उत्तल दर्पण पर क्या बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, और अगर प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो ड्राइवर उस दर्पण पर क्या बनेगा, पीछे का बहुत सारा क्षेत्र, बहुत सारे दृश्य को वो देख सकेगा, ठीक है ना। अगर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वो बहुत बड़ा दृश्य को, बहुत बड़े एरिया को नहीं देख पाएगा, सिर्फ सिर्फ एक प्रतिबिंब की इमेज को ही देख पाएगा। लेकिन अगर क्या है, वहां पर प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वो उसके बहुत सारे एरिया को देख सकेगा। जैसे उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सदैव सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ हो जाता है, वो अपने पीछे के बहुत सारे क्षेत्र को देख सकता है। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी के रूप में किया जाता है, ये मेन है भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपने पेपर पेंसिल का प्रयोग करके कैसे, एक मैं पूरा तो नहीं बता सकता लेकिन एक डायग्राम बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4 सेंटीमीटर ही लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा दर्पण का अच्छा प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पे एक दर्पण बनाया, और इसका मेन एक्सेस बना दीजिए, मेन एक्सेस बना दीजिए इस तरह से, ये इसकी मेन एक्सेस बन गई है। एक सेकंड बेटा, थोड़ा मेरा हाथ तिरछा हो गया यहाँ से, मैं दूसरा कहीं और भी बना देता हूँ। हाँ, मुझे ऊपर से कैमरा लगा रखा है और मुझे हाथ रखने के लिए नहीं हो रहा है इस तरह से। हाँ, ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे हाथ रखने के लिए नहीं हो रहा है, आप बना दीजिएगा इसको ठीक से, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है आपने, ठीक है। ये माना इसकी मेन एक्सेस है, यहाँ पर P है, और ये यहाँ से मैंने क्या किया, ये दर्पण बनाया, तो ये C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, उत्तल दर्पण है तो अंदर की ओर पेंट कर दो इसपे इस तरह से। अब माना कि मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कोई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर ये, ठीक है, और ये परावर्तित हो जाएगी, और इसका, हाँ, इसका ध्रुव निकाल दीजिए। ध्रुव क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, तो कहीं यहाँ पर होगा ये लगभग लगभग, ठीक है। ये P हो गया, ये F हो गया इसका, अब ये जब रिफ्लेक्ट होंगी तो F से आती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से, ठीक है, और इसको पीछे भी इस तरह से कीजिए, मिला दीजिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं भाई डायग्राम, ठीक है ना। तो आज हमने प्रतिबिंब बनाना सीखा उत्तल दर्पण का, और इसका उपयोग मैंने आपको बताया, और ये देखिए भाई आपकी बुक में ये आपने ये टेबल बनाई अभी, और ये इसका डायग्राम बनाना सीखा, तो ये टेबल कुछ नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को देखो और अपने आप भरते जाओ, ठीक है ना। हाँ, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।